प्यार से देने रख लो वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? भाई मुझे तो थप्पड़ से भी डर लगता है, सीधी बात, नो बकवास। अब इससे पहले तुम लोग मुझे प्यार देना स्टार्ट करो, हम इंट्रो देख लेते हैं। सैल्मन भॉय इज बैक एज सैल्मन भॉय इन दबंग जी, द हाईएस्ट ग्रोसर ऑफ दैट ईयर एंड श्योरली द बेस्ट मूवी विच केम आउट दैट ईयर। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? दिस मूवी हैज द मोस्ट इंस्पिरेशनल लाइन ऑफ ऑल। जब भी टेंशन हो, स्ट्रेस हो या डिप्रेशन, ऑलवेज रिमेंबर दीज वर्ड्स। भैया जी स्माइल। After Wanted, boy is back as a policeman. And that is where the similarities stop. Because father becomes stepfather. Atmeez. Bade ambitions wali bandi replaced by bade ambitions wali bandi number 2. Chutte nahi hai wapas dene ke liye. Bad corrupt police officer who harasses the girl becomes good corrupt officer who harasses the girl because it is now being played by the hero. कमाल करते हो पांडे जी। Boy is also known as Robin Hood पांडे उर्फ चुलबुल पांडे। ये Robin Hood बोलने का सीन समझ में नहीं आया। Robin Hood अबीरों से चुरा के गरीबों में बांटता था और पांडे जी अपना अलमारी में रख लेते हैं। साहब भी है ना, बहुत ही शरीफ है। Apart from this, चुलबुल पांडे has the best ice breaker of all। अरे हरामजादे से याद आया छोभी जी, आपके आदरणीय पिताश्री आजकल कैसे? लफंडर से याद आया, आपने परिचय नहीं करा हमसे। अरे कमीनी से याद आया, तिवारी जी भाभी जी कैसी? और भॉय का एक भाई भी है जिसको शायद गॉड कॉम्प्लेक्स है। हमारे नाम का पत्थर धरता है पानी में, चाहे तो फेंक के देख लीजिए। कराली बेस्ती? हाँ हाँ, ये तो बोलने वाली बात है। एंड हिज आर्च नेमेसिस इज छेदी सिंह, एन अपकमिंग पॉलिटिशियन। कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। और बीच में कहीं पे भी एक दो जगह जबरदस्ती के हीरोइन के सीन फिट कर दो, बिकॉज वैसे भी अगर नहीं भी करोगे तो कोई खास स्टोरी लाइन पे फर्क पड़ेगा नहीं। सही बात है। चुलबुल पांडे इज दी दबंग मैन, नॉट बिकॉज ही इज अ फियरलेस पुलिस ऑफिसर, बट भाई साहब सफेद शर्ट पहन के कहीं पे भी चले जाते हैं। भाई साहब ने एक्सेप्ट ही कर लिया है कि दाग अच्छे हैं। और ये चुलबुल कैसा नाम है यार, मतलब इसके पिताजी ने इसको पैदा किया, इसका नाम रखा चुलबुल, एंड ही वाज लाइक चलो दैट्स इनफ चाइल्डहुड ट्रॉमा, नाउ बाय। अच्छा बात नहीं है। एंड पांडे जी काफी बड़े बॉलीवुड फैन है, कभी खुद के, कभी घुंगरू से हटके। ये क्या है बे? पांडे जी के परिवार में है पांडे जी की माता जी, एक कदम पिताजी और एक कदम भाई, और कदम पिताजी को बहुत ही लगाव है अपने बेटे मक्खी पांडे से। एंड अनलाइक चुलबुल, ये नाम सिर्फ निकनेम है। सर मक्खन चंद पांडे ने मारा है मक्खी। चलो कम से कम मूवी में किसी एक बाप के पास तो थोड़ी सेंस थी नाम को लेके। एंड चुलबुल लव्स मक्खी। तुम्हारा भाई है? सौतेला भाई, इस मन बुद्धि की कुंडली दिखाने का पैसा आपके पास? हाँ मतलब इस मूवी में भॉय ने अपना पूरा प्यार किया तो डरना का क्या, सारा बदला ले लिया है। एक तड़कता भड़कता प्रॉम्प्ट पेश करता हूँ, जरा गौर फरमाइएगा कि पांडे जी इज सो कूल दैट ही डजंट स्वेट ही मेल्ट्स। पांडे जी इतने कूल हैं कि बंदी से ब्रेकअप करने से पहले मूव ऑन कर चुके होते हैं। और ये रहे मेरे फेवरेट्स फ्रॉम प्रेम रतन धन पायो अब्रिज्ड। रॉयल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अनुराग पांडे, क्या कसूर अमला का VMS, ऑल द बेस्ट। नीलेश कुमार, राधिका सिंगला एंड श्रवण कुमार, यू गाइज आर फनी एज फक। और मक्खी ने अपने भिनभिनाने के लिए एक माल भी पटाया हुआ है। Even a guy named मक्खी has a girlfriend। कब घूम घोलेगा रे तेरा? मक्खी और उसकी मखणी दोनों शादी करना चाहते हैं, बट अंतु मक्खी के पिताजी को चाहिए दहेज। ये फैक्ट्री हवा पर नहीं चलती मक्खी, एक आखिरी उम्मीद थी कि तुम्हारी शादी में कुछ मिल जाए और तुम हो कि जिसे इस लड़ाने से फुर्सत नहीं मिलती। बेसिकली इफ तुम्हें लौंडियाबाजी करनी ही है तो थोड़ा अमीर माल पटाओ ना। इस
कर्ज की भरपाई कौन करेगा? तो मक्खी इसका सिंपल सोल्यूशन कर देता है। क्या कर रहे हो मक्खी? हम ये पैसा मास्टर जी को देंगे, वो पापा को देंगे, ये पैसा फिर वापस घर में आ जाएगा। और चल बोल। एक बार हमारी शादी हो जाने दो, हम ये पैसा पापा से चुरा कर फिर अलमारी में रख देंगे। इन इकोनॉमिक्स इसी को शायद मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं ना? भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। गांव की गरीब मटका बनाने वाली जो डिजाइनर ब्लाउज के अलावा कुछ नहीं पहनती, इसके पीछे पड़ गए हैं दरोगा जी। तुमसे शादी करनी है? कंप्लेन भी किससे ही करेगी। एंड शी हैज अ पियक्कड़ पिताजी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन हर। इसका मतलब ये हुआ जब तक तुम्हारे बाबा मरेंगे नहीं तुम शादी नहीं करोगी? आप भी ठीक करके देता हूँ। Have I told you कि boy is a Bollywood fan? Yeah, because बाप के मरते ही pulls a Rahul from K3G and marries the girl. जिनको जाना था, वो चले गए। अब इनको मौन से निकल के हमारी ज़िंदगी में जुड़ने दो। And now she has the most important role of all. खाना लगा। रज्जू की कोई back story तो नहीं है हमारे पास, but. तुम्हारे बाबा तुम्हें इरोटा क्यों बुलाते थे? कल मुही, जो मुँह काला करा कर आए हो, अभी आप हमें जानते नहीं। दो चार महीने रह लीजिए साथ में, सब समझ में आ जाएगा। ओके, मेजर रेड फ्लैग्स। यहाँ के तो सबसे बड़े विलन आप ही हैं नेताजी। हम आपको विलन लगते हैं का? अरे शांत एंग्री यंग मैन, लाइट शांत। मिस्टर छेदी सिंह इज द युवा नेता ऑफ अ पार्टी एंड इस कमाल उड़ा के ले गया है चुलबुल ट्रांसपोर्टर वाला सीन कॉपी करके। और इस बार जो फंड रेज किया उसे तो तुम लूट लिए। पैसा हम वापस नहीं मांगेंगे लेकिन काम तुम्हारे लिए करोगे ना? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। एंड इसी के बाद छेदी सिंह की ईगो में जैसे छेद ही हो जाता है एंड ये मक्खी और उसके बाप की फैक्ट्री में आग लगवा देता है सो दैट मक्खी जॉइंस द क्रू फॉर मनी। तोलू रस्तोगी, निपट पाओगे इससे? धूल चटा सकते हैं इसे। एंड इसके बाद नेता के यहाँ पे आम के पिटारे में बॉम्ब भिजवा देता है। एंड आई एम नॉट गोना डू एनी आर्म जोक्स क्योंकि कुछ लोग इस पे इंटरव्यू देते हैं और कुछ लोग अपने पार्टी के नाम में लगाते हैं। यही तो स्कैम है। एंड आफ्टर दैट हिज नेक्स्ट मिशन इज टू किल मिस्टर चुलबुल। एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ यार, वन लाइनर्स मारने हैं तो बता पांडे। पर यहीं पे आता है ट्विस्ट। उनका फुसफुस। ओह या, ही किल्ड देयर मदर। आई मीन आई एम कंफ्यूज्ड, इज दैट हिम किलिंग? आई मीन शी वॉज इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग, बस उसने इनहेलर नहीं दिया। एंड इसके बाद आ गया एक क्लाइमैक्स जहां पे फॉर सम रीजन छेदी सिंह इज लाइक यार ये फैब्रिक यार बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं कपड़े उतारूंगा नहीं, फाड़ के फेंक दूंगा। एंड इन रिस्पॉन्स भॉय इज लाइक मुझे तो इसको फाड़ के भी फेंकने की जरूरत नहीं है। तो क्या उसके बाद फिर एक ठंडी हवा का झोंका आता है और वो टी शर्ट उड़ जाती है बिकॉज फुक यू। और फिर आता है एक तड़कता भड़कता copied climax from Sherlock Holmes and for some reason वो शर्ट फिर वापस भी आ जाती है। आ गई रॉबिन हुड पांडे की फौज। वेलकम फौजरी वालों। बचपन से हम अपने आप को हीरो समझते आए और ये हमको विलन बोलते हैं। तेरे नैना है अलकायदा, मार ही डालेंगे। पढ़े लिखे हैं, जात से ब्राह्मण है, पुलिस की नौकरी है, रॉब रुतबा पैसे सब है, बस तुम्हारी बेटी स्वीकारने को तैयार नहीं। क्या कमी है हमारे में? आपका नाम क्या है? हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे होता है बहुत भयंकर, दारू से भी भयंकर होता है। लगा के देखिए, ट्राई करके देखिए। इस मूवी का सिंपल सॉल्यूशन है, मक्खी को देखो शादी करनी थी एंड दहेज अरेंज करता है फॉर हिज बंदी, राइट? इफ इसमें जरा सी भी सख्ती होती तो इन चौंचलों में पड़ता ही नहीं और ये सब कुछ नहीं होता। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। बेसिकली ये मूवी बेस्ट है अपने फ्रेंचाइजी में एंड आई कैन से दैट। क्यों? क्योंकि पता नहीं यार, मैंने तो बाकी दोनों भी नहीं देखी हैं, बट आई एम श्योर दे मस्ट बी मोर शिटी।
बट आई स्टिल बिलीव कि हम चुलबुल से कुछ चीजें सीख सकते हैं, जैसे कि व्हेन यू डोंट हैव इनफ मनी टू अरेंज फॉर अ वेडिंग तो किसी की भी शादी में जाके फेरे ले लो, कोई क्या ही कर लेगा कंप्लेन। एंड मूवी में एक आइटम नंबर भी है उस टाइम की नोरा फतेह का, तो पति पत्नी देवर सब एक साथ, इसी को बोलते हैं फैमिली मूवी। बस यार हो गया मेरा, मेरे को तो बहुत मजा आया ये वीडियो बनाने में। अगर तुमको भी आया हो तो इस पे लाइक कर देना, शेयर कर देना और मस्त मस्त दो कमेंट्स भी कर देना। एंड यहाँ पे अगर पहली बार आए हो तो थोड़ा सा वो सब्सक्राइब बटन पे एक बार दबा के देखो क्या होता है, ठीक है? मतलब जिन लोगों ने पहले से किया वो मत करना। एंड इस बार का लाइक्स का एम है 2 पर पर्सन। और अब अंडी मंडी संडी, जिसने भी ये सब नहीं किया वो एक मिनट बात करने का 500 रुपए। भाई ये तो बहुत महंगा है यार, इससे तो 500 में यहाँ पे आपको इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो हमको।